जमा सबका हुए हैं, क्योंकि वाइन शॉप के लिए हम लोग अर्जी दिए थे कि यहाँ पे वाइन शॉप नहीं खुलना चाहिए, बल्कि अप्रैल में दिए थे। ऑब्जेक्शन था यहाँ के तमाम एरिया के लोगों का, ऑब्जेक्शन था। उसके बावजूद ये दो दिन पहले और वाइन शॉप खुला है। मैं अभी अभी टीसी मैडम से भी बात की हूँ और एक्सरसाइज से भी बात की हूँ। 21 तारीख को यहाँ पर आएंगे, छुट्टी पर है ईद होने से, दोनों आके इंशाल्लाह ताला एक्शन लेके बंद कराएंगे। आप तमाम को मैं ये अश्योरेंस देती हूँ, अगर 21 तक नहीं बंद हुआ उन्होंने आने के बाद, तो हम सब मिलके एजिटेशन करेंगे यहाँ पे, धरना देंगे और ये बंद करा के। पर ताजनगर में वाइन शॉप ओपन हुआ है, ये वाइन शॉप नहीं हो ओपन होना बोल के अप्रैल 29 तारीख को मोहतरमा MLA साहेबा, आम आदमी पार्टी के जानिब से, JDS के जानिब से, MIM के जानिब से डिप्टी कमिश्नर एक्साइज को कंप्लेंट दिया गया था। इसके बावजूद उन्होंने यहाँ का लाइसेंस मंजूर किया है, यहाँ का लाइसेंस, यहाँ पर लाइसेंस शराब खाने के लाइसेंस दिए हैं। क्या ये मैडम चाहते हैं कि सारे शहर के लोग शराबी बने, अच्छे नागरिक नहीं बने? हाँ, यहाँ पर गरीब लोग होते हैं, जो लोग कमाते हैं शाम तक 500 रुपये 200 रुपये कमाते हैं, शराब खाने में डाल के घर को जाते हैं, औरतों को मारते, खाने पीने ला के नहीं देते। यहाँ पर 8 दिन पहले डिप्टी कमिश्नर एक्साइज आए थे, आकर हमको वादा किए थे, यहाँ के आवाम को क्या वादा किए थे, मैं कभी किसी हाल में ओपन होने नहीं देती हो। मैडम बोले थे एक्साइज डिप्टी कमिश्नर, तो उन्होंने वादा खिलाफ ही कई किए। तो आज हम जो है ना यहाँ पर सारे आवाम के साथ एहतजाज कर रहे हैं, मोहतरमा कनीस फातिमा साहिबा MLA साहिबा भी हैं, हम इंडिया देना चाहते हैं डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा मैडम ज्योत्ना साहिबा को और डिप्टी कमिश्नर एक्साइज को। मैडम आप एक लेडीज़ होते हुए हमारे लेडीज़ की दर्द को पहचानिए, गरीब लेडीज़ आवाम जो है ना बहुत परेशान होते, सबसे ज़्यादा परेशान होने वाले हमारे लेडीज़ हैं, हमारे बहनें हैं, क्योंकि उनके शोहर जब 200-500 कमाते हैं, शराब खाने में डाल के जो है ना खर्च करके शराब पी के आते हैं, रात में बक्के बच्चे उनके जो है ना बाल बच्चे औरतें भूखे मरते हैं। इस लिहाज पर हमको, हम आपको वार्निंग दे रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, वार्निंग भी दे रहे हैं, अगर एक हफ्ते के अंदर इस शराब खाने को आप बंद नहीं करेंगे, वाइन शॉप को बंद नहीं करेंगे, तो बहुत बड़ा एहतजाज होगा, रिंग रोड भी बंद होगी। हम ये बात हमारे MLA मोहतरमा साहिबा के सामने जो है ना उनको जो है ना इंडिया दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं। हाँ, इस वार्निंग को सीरियस लेकर इस शराब खाने को बंद करने की हम अपील करते हैं। ताजनगर मुस्लिम संघ कॉलोनी में ये जो काकड़े चौक पे, जो रिंग रोड पे, जो वाइन शॉप के लिए हम 4 महीने से यहाँ जिद्दोजहद कर रहे हैं कि वाइन शॉप ओपन नहीं होना बोल के, एक्सेस डिपार्टमेंट को, मैडम को, DC उनको यहाँ पर बोलने के बावजूद भी आज 2 दिन पहले वाइन शॉप ओपनिंग हुआ। यहाँ पर शराब खाने पे, दारू पीने लोग आ रहे हैं, रोडों पे यहाँ पर सो रहे हैं। ये महिला वालों को शराब की ज़रूरत नहीं है या शराब खाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से जल्द शराब खाना बंद होना चाहिए, ये वाइन शॉप बंद होना चाहिए। अगर ये वाइन शॉप अगर बंद नहीं होगा तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसके लिए हमारी जान भी जाना पड़े, तो इंशाल्लाह हम जान देने के लिए तैयार हैं, मगर यहाँ पर हमको वाइन शॉप बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सारे, यहाँ पर मस्जिद है, स्कूल है, यहाँ पर गरीब अवाम है, यहाँ मजदूर करके रात में जाने वाले हैं, यहाँ पर शराबी क्या मालूम है बनना नहीं चाह रहे, यहाँ पर क्या मालूम है हर कौम के मजहब के लोग यहाँ पर ईमानदार अच्छी तरीके से जीना चाह रहे, तो लिहाजा यहाँ से वाइन शॉप उठना जल्द से जल्द, हम इनको 7 दिन का टाइम दे रहे, यहाँ से अगर वाइन शॉप नहीं उठेगा तो इंशाल्लाह सबसे पहले मैं पेट्रोल डाले के यहाँ से आँच लगा लूँगा बोल के मैं ये DC जिला अधिकारी और ये एक्साइज डिपार्टमेंट DC को मैं यहाँ से वार्निंग दे रहा हूँ, तो जल्द से जल्द यहाँ से बंद होना चाहिए। मेरा नाम मैनुद्दीन है। आज यहाँ पे जो बार जो ओपन हुआ है उसके तक ताजनगर में कोशिश की और किसी मैडम को भी एक्साइज डिपार्टमेंट में उनको मेमोरेंडम भी दिया था 6 महीने पहले, तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, खाली हमको बोले कि वो ओपन नहीं होगा बोल के बताए। इवन यहाँ तक ये तक बोले उन्होंने लाइसेंस इशू नहीं किए, बोल के वो चोरी से जो है लाइसेंस इशू भी किए। और एक चीज़ मैडम को मैं एक रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ और वार्निंग भी दे रहा हूँ, कभी मुस्लिम संघ ताजनगर में कभी ये बार ओपन हुआ तो उसके जिम्मेदार कुछ भी होगा तो आप जिम्मेदार होगे। मैडम मैं आपको रिक्वेस्ट भी बोल रहा हूँ, ये बार को रोकिए,
क्योंकि यहाँ पे जो आवाम है पूरे माइनॉरिटीज के पूरे लोग हैं और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भी रहते हैं यहाँ पे और सबको एतराज़ है। हमने लास्ट टाइम में जो है लगभग जो है 500 सिग्नेचर भी कैंपेन भी किया था, वो सिग्नेचर के साथ हमने आपको दिया था, फिर भी आपने रोका नहीं, आपने बल्कि उनको लाइसेंस इश्यू किया। ये आप बहुत गलत किए, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उसको रोके लाइसेंस करके। हम उनसे पर ये नहीं करते हैं, क्योंकि आप देखिए लेफ्ट साइड में जो है मस्जिद है और उसके बैक साइड स्कूल है और हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो ये कहाँ से होगा? खाली आप जो है यहाँ पे सर्वे किए तो आप हमको बताएंगे नहीं हम लाइसेंस नहीं देंगे उनको, ओपन करने के लिए नहीं देंगे, मगर यहाँ पे ओपन किया है। क्या हमको आप बता रहे हैं कि हमने नहीं करते नहीं करते, बल्कि आप उनको परमिशन दे रहे हैं? तो अर्जेंटली आप इनको रिक्वेस्ट यहाँ पे भेजिए, स्टॉप कीजिए उनका पार्क।